दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन को, जिसे हमारी टीम मेंबर ने लोकल मार्केट से परचेज किया है। और आपको बताएंगे दोस्तों अनबॉक्सिंग करके कि क्या क्या मिल जाता है हमें इस फोन के अंदर, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं हम बॉक्स को ओपन और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल जाता है बॉक्स के अंदर। पैकेजिंग काफी हैवी लगा रखी है इन्होंने, फील द पावर लिख भी रखा है। वाह, तो देखते हैं पहले इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये है दोस्तों केस, बढ़िया क्वालिटी है जिसकी, और साथ में कुछ पेपर वेपर वगैरह हैं, साइड रखते हैं इन्हें भी। सामने की तरफ हमारा फ़ोन रखा हुआ है तो हम साइड पे रखते हैं। ये है एक 33 वॉट वाला चार्जर और ये केबल, तो चलिए इन्हें रखते हैं साइड में। और बात करते हैं हमारे मेन हाईलाइट की, हमारे फ़ोन की। और सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम फ़ोन के डिज़ाइन की। तो भाई डिज़ाइन के मामले में सही, ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई, मानना पड़ेगा डिज़ाइन के मामले में रियल मी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों फ़ोन की डिस्प्ले की। तो फ़ोन के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। जितना का हमने इसकी डिस्प्ले को टेस्ट किया ना भाई, कंटेंट वॉचिंग में हमारा एकदम मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें सुपर AMOLED पैनल दिया गया है। और जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना दोस्तों, आपको एकदम स्मूथली वाली गेमिंग करवा देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ़ोन के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो Realme का स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। हाँ यार, आपको भर भर के ब्लोटवेयर जरूर से मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ना चिपसेट की, तो फोन के अंदर हमें Dimensity 920 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से चिपसेट एकदम बढ़िया है। जितना का भाई हमने इसको टेस्ट किया ना यार, डे टू डे जो टास्क थे वो काफी मैं स्मूथली इस पे कर पाया। और रही बात गेमिंग की, तो भाई गेमिंग का एक्सपीरियंस भी मेरा इस पे काफी ज्यादा मजेदार रहा। एंटूटू स्कोर की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो फोन का आता है 5 लाख के करीब, जो कि एक अच्छा स्कोर है। फोन के अंदर दोस्तों हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR4X RAM को सपोर्ट करता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी लैग वगैरह मैंने इसमें कुछ भी फेस नहीं किया। और अब हम बात करते हैं दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो मेन कैमरा वो 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों जो हमने इससे फोटोज वगैरह क्लिक करी ना भाई, एकदम बढ़िया फोटो हम इस पे क्लिक कर पाए। वीडियो भी है 4K तक फोन सपोर्ट करता है बैक कैमरा से। और वीडियो स्टेबलाइजेशन में हमें यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी ही दी गई है। हां यार, अगर OIS का सपोर्ट हमें यहां पर मिल जाता ना भाई, तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन ओवरऑल तो भाई बैक कैमरा सेटअप यहां पर फोन का काफी ज्यादा बढ़िया है। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें, तो फोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि सच में काफी अच्छी फोटोज और वीडियोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इस सब के दौरान अगर मैंने यहाँ पर बैटरी टेस्ट करी ना भाई, तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है हमें ना, काफी बढ़िया बैटरी बैकअप मिल गया। लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल गया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो स्मार्टफोन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर हम बात करें, तो ये स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, जो कि 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यार 5G बैंड अगर यहाँ पर 7 या 8 होते ना, तो एकदम ट्रूली 5G कनेक्टिविटी हमें मिल जाती, लेकिन 5 बैंड्स हैं, थोड़ी सी ना कमी कर दी इस रियलमी ने। और 3.5mm जैक हमें फोन के अंदर दिया गया है, गेमिंग करते हुए भाई ये तो काफी प्लस पॉइंट लगा मुझे। स्पीकर्स की अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पर फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं भाई, लाउड इनफ है, काफी अच्छी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। कंटेंट वॉचिंग के टाइम पे भी हमें काफी अच्छा स्पीकर रिस्पॉन्स मिल गया फोन से। और सिक्योरिटी के लिए हमें फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, प्लस उसी में ही हमें हार्ट रेट मॉनिटर भी दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन फेस अनलॉक के साथ में आता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो इस फोन के 6+128GB वेरियंट की कीमत है 21,999 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों Realme Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए भाई, अगर आपको ओवरऑल एक बढ़िया फोन चाहिए ना, जिसमें आप गेमिंग भी कर पाओ, कंटेंट वॉचिंग भी कर पाओ, बैक कैमरा सेटअप फ्रंट कैमरा सेटअप भी एकदम बढ़िया वाला हो, भाई डेफिनेटली आप यहां पर Realme Narzo 50 Pro 5G को जरूर से बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इस स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे फोन के इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।